ओमकारेश्वर कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण देश भर में प्रधानमंत्री के आह्वान पर लॉकडाउन किया गया था, जिसके कारण हजारों व्यक्ति अपने घर से बाहर होने के दौरान अन्य स्थान पर कैद हो चुके थे। लेकिन जहां प्रशासन ने अब तक ऐसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखकर भोजन पानी की व्यवस्था कर उनका सहयोग किया था, वही अब प्रशासन ऐसे आम लोगों को उनके निवास स्थान पर भेजने के लिए जहदोजहद कर रहा है। खरगोन जिले की बड़वा सनावत ब्लॉक के पंचायतों में ठहरे मजदूर एवं अन्य लोगों को सुरक्षित उनके घर भेजने के लिए जिला प्रशासन के आदेश हो चुके हैं। आपको बता दें कि ऐसे लोगों को करीब 38 बसों के माध्यम से एकत्रित कर अलग अलग शहरों में उनके निवास स्थान पर भेजा जा रहा है, ताकि वह लोग भी अपने मुकाम पर पहुंचकर कोरोना महामारी से बच सके। इस कार्य के दौरान जनपद पंचायत बड़वा सीईओ बाबूलाल पवार ने बताया कि 38 बसों से लगभग 800 मजदूरों को खंडवा, धार, हरदा, शाजापुर जिले में जनपद मुख्यालय भेजा जा रहा है, जहां सभी सदस्यों की जांच कर उनके निवास स्थान पर भेजा जाएगा। बता दें कि विगत कई माह से इंदौर इच्छापुर मार्ग सहित अन्य सुनसान इलाकों से बारिक क्षेत्र से मजदूर भोजन के अभाव में अपने घर जाने को निकल पड़े थे, जिन्हें स्थानीय प्रशासन द्वारा चेक पॉइंट पर रोककर अस्थायी जेल में क्वारंटाइन के लिए रखा जा रहा था। लेकिन अब ऐसे सभी परेशान मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन पहल कर चुका है। संवाददाता ओंकारेश्वर दीपक गुप्ता। सर बताएं, ये आपकी गाड़ियां आज लगी गई है, किसके आदेश पे लगी? कल मौके का आदेश आए थे, मतलब कहने का आईटीओ मौजूद है कि वह कलेक्टर द्वारा मतलब मजदूरों को बढ़वा सनात ब्लॉक से भिन्न भिन्न जगह पर छोड़ना है, आपको डीजल पर जाए भी किया जाएगा और शासन के अनुसार जो निर्धारित रेट है उसका आपको किराया दिया जाएगा। मैंने अपनी बसें ब्लॉक ऑफिस में खड़ी कर दी है मजदूरों को लाने, मजदूरों को छोड़ने हेतु। बताएं ये बसें जो लगाई है आज क्या है, कहाँ भेजी जा रही है? 38 बसेस है, अलग अलग क्षेत्रों में जो मजदूर रुके हुए हैं उनको उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाना है, और ये बसेस जिला खंडवा, धार, शाजापुर और हरदा, इन डिस्ट्रिक्ट में जाएगी, और उसमें प्रॉपर खरगोन भी सम्मिलित जाके लेकर यहाँ पर सीखेंगे। सर इसमें कितनी संख्या हो सकती है मजदूरों की? कम से कम करीब 800। ये सर इनको इनके घर भेजा जाएगा, इनकी जांच वगैरह करके इनके जो जनपद मुख्यालय है वहाँ तक पहुँचाएंगे, और वहाँ से फिर इनकी जांच करके अपने गांव को जाएंगे। कितनी बसें जा रही सर? 38।